हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आती है। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक की पूरी और पालक के नमक पारे। तो चलो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है पालक की एक गुच्छी। उसको अच्छे से वॉश करके 2 से 3 मिनट तक पानी में उबाल लिया है। पानी में उबालने के बाद इसको अच्छे से हमने ठंडा करके इसका एक महीन पेस्ट तैयार कर लिया है। इसके बाद हमने 2 कटोरी आटा लेकर उसमें थोड़ा सा नमक, अजवाइन, अजवाइन आप क्रश करके डाल सकते हो, और इसमें 2 चम्मच तेल के ऐड करने होते हैं, जिससे कि नमक पारे क्रिस्पी और करारे तैयार हों। अब इसको तेल डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लें। और फ्रेंड्स, इस डो को लगाने के लिए आपको पानी की ज़रूरत नहीं होती। जो ये पेस्ट तैयार किया है पालक का, बस इसी से ही आपका डो रेडी हो जाएगा। अब धीरे धीरे करके इस पेस्ट को आटे में ऐड करते जाएं और एक अच्छा सा डो तैयार कर लें। डो तैयार होने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट रखें। उसके बाद हम कढ़ाई में तेल गर्म कर लेंगे। आटे को रखे हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं। इससे हम क्या करेंगे कि अच्छे से एक लोई बनाकर इसको बेल लेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग इसको शेप दे सकते हैं। शेप देने के बाद इसको अच्छे से कट कर लें। कट करने के बाद इसको एक प्लेट में आप निकाल सकते हो। फ्रेंड्स, जो बचा हुआ आटा है उसकी भी लोई बनाकर उसको भी अपने मनपसंद पूरी की शेप दे लें और उसे भी एक प्लेट में निकाल सकते हो। और प्लेट में निकालने के बाद फिर हम चलते हैं इसको तलने के प्रोसेस में। चलिए फ्रेंड्स, चलते इनको तलते हैं। सबसे पहले मैंने नमक पारे कढ़ाई में डाल दिए हैं। इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लें। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है, इसमें तेज़ आंच पे नहीं सेकना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपको लग जाएगा कि ये, क्योंकि ये कलरफुल है तो थोड़ा सा इसमें लगता है कि ये कि पके होंगे कि नहीं पके होंगे। तो जैसे इसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसको उठा के देख सकते हैं कि ये पक गए हैं कि नहीं पके। अब आ जाने से पता लगेगा कि ये अब क्रिस्पी हो चुके हैं। इन्हें एक सर्विंग ट्रे में निकाल लें। अब जो बची हुई पूरियां हैं उसे भी तेल में डालें और इनको भी क्रिस्पी होने से अच्छे से उलट पलट के सेक लें। फ्रेंड्स, ये नाश्ता बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। अगर आप एक बार बनाओगे तो बच्चे बार बार इसी नाश्ते को खाने की जिद करेंगे। फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। लास्ट में हम चलते हैं इसको सर्व करने की प्रोसेस में। तो आप इसको अपनी मनपसंद चटनी या चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके जी।
फ्रेंड्स अपना ख्याल रखना। प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।